हेलो एवरीबॉडी, आज मैं इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम है इंटीग्रेट एक्स साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन। इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी का ही है। एक्स साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए, इसमें ये दोनों का है मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में है, तो बाई पार्ट अप्लाई कर दिया जाएगा। ये इनवर्स फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया जाएगा और एक्स जो होगा वो सेकेंड फंक्शन होगा, और इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, दिस इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन आई इक्वल टू फर्स्ट, दैट मीन साइन इनवर्स एक्स जो का तेवर आ गया, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और जो आया उसका फिर से इंटीग्रेशन। उसके बाद ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये इंटीग्रेट हो चुका है, तो दिस इक्वल टू हो गया वन बाई टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ज्यों का त्यों रह गया। अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेबल बनाएंगे, ये वन बाई टू तो प्लस में वन बाई टू बाहर हो गया, इस माइनस को यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर दे दिए क्योंकि ये भी माइनस एक्स स्क्वायर था, इसलिए एक जैसा बना दिए। ये माइनस एक्स स्क्वायर है इसलिए इस माइनस को वहाँ दे दिए, तो यहाँ प्लस हो गया, वन बाई टू को बाहर कर दिए तो ऊपर में केवल हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको नीचे वाले जैसे वन माइनस एक्स स्क्वायर ही वन जैसा है वैसा ही इसको बनाने के लिए इसमें प्लस वन कर दिया जाए, और जब प्लस वन अपने मन से किए हैं तो यहाँ पर माइनस वन कर दिया जाए, जैसा नीचे वैसा बना दिया जाता है। उसके बाद ये दोनों एक साथ हो गया, इसको इसमें अलग से डिवाइड कर देंगे और इसमें अलग से डिवाइड कर देंगे, नोट कीजिए। तो देखिए तो दिस इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू, इसमें इसको अलग से डिवाइड करके अलग इंटीग्रेशन बनाएंगे, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक अलग हो गया, ये वन बाई टू इसके साथ भी जाएगा, तो माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये जो का देखा आ गया वन बाई टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू। अब देखिए ये सेम इसी का रूट है, तो इससे कैंसिल होकर के रूट ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये बन गया रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। और ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये इंटीग्रेबल बन चुका है जो कहते हुए रहेगा। अभी इसका भी इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, ये भी इंटीग्रेबल हो गया, ये भी हो गया, दोनों का फार्मूला राइट आउट कर दिया जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो ये हो गया वन बाई टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू
प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए वन है तो वन स्क्वायर बाई टू मीन्स वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, ये इसका हुआ। और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है वन बाई टू बाहर में जम करते हुए रहा, ये होता है इंटीग्रेशन का फार्मूला साइन इनवर्स एक्स, और सभी का इंटीग्रेशन लिख दिया गया तो प्लस ही आ गया। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी है यहाँ पर भी है, तो इसको ब्रैकेट को ब्रेक करके इन दोनों को एक साथ कर लिया जाए तो दिस इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स जो कहते हैं आ गया, इसको करेंगे तो प्लस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू टू फोर, ये हो जाएगा वन बाई टू वन बाई टू वन बाई फोर, तो प्लस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स और माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब जब आप इसको एल्सम लेकर के माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स, तो राइट डाउन कर दिया जाए तो वन बाई टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, और ये हो गया माइनस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर, आज इतने रहने दिया जाए।